राम से मिथिला के राजपुरोहित शतानंद जी विशेष रूप से प्रभावित हुए शतानंद जी ने कहा हे hey राम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको विश्वामित्र जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं वे बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष हैं ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के पूर्व ऋषि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे प्रजापति के पुत्र कुश कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे ये सभी शूरवीर पराक्रमी और धर्मप्रायण थे विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र हैं एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए चूंकि उस समय वशिष्ठ जी ईश्वर भक्ति में लीन होकर यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए यज्ञ क्रिया से निवृत्त होने पर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का बहुत आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया इस पर यह सोचकर कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा विश्वामित्र जी ने नम्रतापूर्वक विदा होने की अनुमति मांगी किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए राजा विश्वामित्र को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा राजा विश्वामित्र के आतिथ्य स्वीकार कर लेने पर वशिष्ठ जी ने कामधेनु गौ का आह्वान किया और उससे विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए छह प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने की प्रार्थना की उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके कामधेनु गौ ने सारी व्यवस्था कर दिया वशिष्ठ जी के अतिथि सत्कार से राजा विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए कामधेनु गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र के मन में उस गौ को प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि ऋषिश्रेष्ठ कामधेनु जैसी गौ तो किसी वनवासी के पास नहीं वरन राजा महाराजाओं के पास ही शोभा देती है अतः आप हाँ इसे मुझे दे दीजिए इसके बदले में मैं आपको सहस्त्रो स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ इस पर वशिष्ठ जी बोले कि राजन ये गौ ही मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् गौ को पकड़ लेने की आज्ञा दे दी और सैनिक दिन उस गौ को डंडे से मार, -मार कर हाँकने लगे कामधेनु गौने क्रोधित होकर अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी वशिष्ठ जी बोले कि हे hey, कामधेनु मैं इस राजा को शाप भी नहीं दे सकता क्योंकि यह राजा मेरा अतिथि है और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता मैं अत्यंत विवश हूँ वशिष्ठ जी के इन वचनों को सुनकर कामधेनु ने कहा कि हे hey, ब्रह्मर्षि क्या एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल कभी श्रेष्ठ हो सकता है आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी कोई अन्य उपाय न देखकर वशिष्ठ जी ने कामधेनु को अनुमति दे दी आज्ञा पाते ही कामधेनु ने योगबल से पहनव सैनिकों की एक सेना उत्पन्न कर दिया और वह सेना विश्वामित्र की सेना के साथ युद्ध करने लगी विश्वामित्र जी ने अपने पराक्रम से समस्त पहनव सेना का विनाश कर डाला इस पर कामधेनु ने सहस्त्रोशक हूण बर्वर यवन और कामबोध सैनिक उत्पन्न कर दिया जब विश्वामित्र ने उन सैनिकों का भी वध कर डाला तो कामधेनु ने मारक शस्त्रास्त्रों से युक्त अत्यंत पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया जिन्होंने शीघ्र ही राजा विश्वामित्र की सेना को गाजर मूली की भांति काटना आरंभ कर दिया अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के सौ पुत्र अत्यंत कुपित हो वशिष्ठ जी को मारने दौड़े परिणाम ये हुआ कि वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया सेना तथा पुत्रों के के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े दुखी हुए अपने बचे हुए पुत्र का राज तिलक कर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए वहाँ पर उन्होंने कठोर तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न कर लिया महादेव जी को प्रसन्न पाकर विश्वामित्र ने उनसे समस्त दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया इस प्रकार संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे वशिष्ठ जी को ललकार कर उन पर अग्निबान चला दिया अग्निबाण से समस्त आश्रम में आग लग गई और आश्रमवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे वशिष्ठ जी ने भी अपना धनुष संभाल लिया और बोले कि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ तू मुझ पर वार कर आज मैं तेरे अभिमान को चूर चूर करके बता दूंगा कि क्षात्र बल से बल श्रेष्ठ है क्रोध होकर विश्वामित्र ने एक के बाद एक आग्नेय अस्त्र वरुणास्त्र रुद्रास्त्र इंद्रास्त्र तथा पाशुक्तास्त्र एक साथ छोड़ा जिन्हें वशिष्ठ जी ने अपने मारक अस्त्रों से मार्ग में ही नष्ट कर दिया इस पर विश्वामित्र ने और भी अधिक क्रोधित होकर मानव मोहन गांधर्व जूमभन दारन वज्र, ब्रह्मपाश कालपाश वरुण पाश पिना दन पैशाच क्रौंच धर्मचक्र कालचक्र विष्णुचक्र वायव्यक मंथन कंकाल मूसल विद्याधर कालास्त्र आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग कर डाला वशिष्ठ जी ने उन सबको नष्ट करके ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए जब अपना धनुष उठाया तो सब किन्न आदि भयभीत हो गए किंतु वशिष्ठ जी तो उस समय अत्यंत क्रोध हो रहे थे उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दिया ब्रह्मास्त्र के भयंकर ज्योति और नाद से सारा संसार पीड़ा से तड़पने लगा सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया है अब आप ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया और मंत्रों से उसे शांत किया पराजित होकर विश्वामित्र मनिहीन सर्प की भांति पृथ्वी पर बैठ गए और सोचने लगे कि नसंदेह बल से बल ही श्रेष्ठ है अब मैं तपस्या करके ब्राह्मण की पदवी और उसका तेज प्राप्त करूंगा इस प्रकार विचार करके वे अपनी पत्नी से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न का त्याग कर केवल फलों पर जीवन यापन करना आरंभ कर दिया उनकी तपस्या से प्रण होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें राजर्षि का पद प्रदान किया इस पद को प्राप्त करके भी ये सोचकर कि ब्रह्मा जी ने मुझे केवल राजर्षि का ही पद या महर्षि देवर्षि आदि का नहीं वे दुखी ही हुए वे विचार करने लगे कि मेरी तपस्या अब भी अपूर्ण है मुझे एक बार फिर से घोर तपस्या करना चाहिए